איראן שיגרה אתמול כ-200 טילים לעבר מדינת ישראל. נחזיר את תושבינו בצפון, נבטיח את נצח ישראל. ईरान के हमले के बाद से ये डर बना हुआ है कि इजराइल कब और कैसे जवाब देगा। इजराइल का पलटवार कितना भयानक होता है, पिछले 75 साल में मिडिल ईस्ट के बदले हुए नक्शे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। दुश्मन के हर वॉर का करारा जवाब देना इजराइल की पॉलिसी रही है। इजराइल हमले को ना तो भूलता है और ना ही दुश्मनों को माफ करता है। ईरान भी इजराइल के इस तेवर से भली भांति परिचित है। यही वजह है जब ईरान के राष्ट्रपति ने तेहरान से दोहा के लिए उड़ान भरी तो उनके साथ 3 फाइटर प्लेन भी साथ उड़े। दोहा में जब तक राष्ट्रपति महमूद पेजेशकियान का विमान लैंड नहीं कर गया, ईरान में डर का ही माहौल रहा। ईरानी जर्नलिस्ट ने हवाई यात्रा के दौरान संभावित खतरे को लेकर राष्ट्रपति से सवाल किया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ईरान के राष्ट्रपति की कतर यात्रा का मकसद दोनों देशों में द्विपक्षीय समझौता है, लेकिन इजरायली हमले का डर यहाँ भी छाया रहा। अमनियत मंतक अमनियत हमें मो मुसलमान हास و ما به هیچ وجه به دنبال جنگ و خونریزی نیستیم. از موقعی که بنده به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدم در تمام صحبت ها تلاشم بر این بوده که ایران پر اسرائیلی حمله کا ڈر ہر وقت بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی ڈی ایف نے حملے کا فل پروف پلان بنا لیا ہے، سرکار سے بھی اس کی منظوری مل چکی ہے۔ अखबार का दावा है कि बुधवार को पीएम नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ हमले को लेकर रक्षा मंत्री समेत आईडीएफ के बड़े अफसरों के साथ बैठक में हमले की रूपरेखा को मंजूरी दी। अखबार के मुताबिक इजराइल ईरान के गैस और तेल जैसे बुनियादी ढांचे के अलावा उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। בכל נקודה ונקודה במזרח התיכון, ומי מהאויבים שלנו שלא הבין זאת עד עכשיו יבין זאת בקרוב. ערב החג צה"ל נלחם ותוקף בכל הזירות. חיילי צה"ל יציינו את החג בעזה, בלבנון, ביהודה ושומרון ובכל הגבולות, בכוחות מתוגברים ובכוננו. ישראל הסתמא אפנה נובה שמנה רעה. 2 अक्टूबर को सूरज ढलने के बाद यहूदी नववर्ष रोश हशना का जश्न शुरू हुआ। ईरान पर तुरंत कार्रवाई न करने के पीछे यहूदियों के इस अहम त्यौहार को भी माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है 4 अक्टूबर को सूर्यास्त के साथ रोश हशना के खत्म होते ही इजराइल ईरान के अहम ठिकानों पर धावा बोल सकता है। אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד. נחזיר את חטופינו בדרום, נחזיר את תושבינו בצפון. इजराइल के संभावित हमले के बाद से आईआरजीसी अलर्ट मोड पर है। आईआरजीसी ने इजराइल को ऐसी गुस्ताखी करने पर कड़े सबक की चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि 1 अक्टूबर की रात को किया गया हमला बस एक ट्रेलर है। ईरान की क्षमता को कम आंकने की गलती इजराइल को भारी पड़ सकती है। ईरान हमले में इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल के अवशेष इजरायली धरती पर मिल रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में एक खाली मैदान में ईरान का ये मिसाइल गिरा था। आबादी वाले इलाके में ईरानी मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया था। इराक, वेस्ट बैंक, सीरिया, हमास,
Hezbollah, Iran, Houthis. Did I say Houthis twice? Seven fronts we have been confronting. It's an impossible situation, but we are prevailing. First of all, because we have the capabilities, we have very good army and defense system, air defense system too. 1 अक्टूबर की रात ईरान ने करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली शहरों पर हमले किए थे। इजरायली दावे के मुताबिक कुछ जगहों को छोड़कर ईरानी हमला करीब करीब पूरी तरह से नाकाम रहा है। ईरानी मिसाइल को मार गिराने में अमेरिका भी साथ था। अमेरिकी नेवी ने इस वीडियो को जारी किया है। यूएसएस बुलकेले डिस्ट्रॉयर ने इजरायल की ओर बढ़ रहे मिसाइलों को समंदर में ही मार कर गिरा दिया था। इजरायल में घुसा ईरान की 200 मिसाइलों का तूफान। ईरान ने लिया नसरुल्लाह और हानिया की मौत का इंतकाम। ईरान का पहला टारगेट मोसाद का हेडक्वार्टर, दूसरा टारगेट नेवाते में बेस, तीसरा टारगेट नेजरीम मिलिट्री बेस, चौथा टारगेट तेल ऑफ इंटेलिजेंस यूनिट बेस और पांचवा और सबसे अहम टारगेट इसराइल का डिमोना न्यूक्लियर बेस। इसराइल के ये वो पांच अहम ठिकाने हैं जिन्हें ईरान से उड़ान भरने मिसाइल पर सेट किया गया था। एक एक मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम ने अपने अपने टारगेट को आसमान की ऊंचाई से ट्रैक किया और फिर ईरान से 2000 किलोमीटर दूर इसराइल के इन अहम ठिकानों पर यह मिसाइलें बरसी। ईरान ने एक साथ 200 मिसाइलों से हमला किया और इसराइल में भारी तबाही मचा दी। दावा है कि ईरान ने अपनी ताकतवर मानी जाने वाली फतेह वन और फतेह टू हाइपरसोनिक मिसाइल समेत कई दूसरी बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया, जिनके आगे इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए और ईरानी मिसाइलों के हमले से इसराइल के शहर दहल गए। मगर सवाल यह भी उठ रहा है कि ईरान की जो भी मिसाइल इसराइल के अहम पांच ठिकानों को टारगेट बनाकर दागी गई है वो कुछ ही दूरी पर जाकर फटी है। तो क्या ईरान की मिसाइलें टारगेट से जानबूझ कर चुकी या फिर इसराइल ने पहले ही मार गिराया? आखिर क्यों ईरान ने इसराइल के इन्हीं पांच ठिकानों को निशाना बनाया, तो ये समझना भी जरूरी है। मोसाद हेडक्वार्टर पर क्यों हमला किया गया? तेल अवीव के उत्तर में मौजूद मोसाद का हेडक्वार्टर पर ईरान के मिसाइल से मची तबाही की तस्वीर हमले की भयावहता को बयां कर रही है। देखे इस तस्वीर को। मोसाद हेडक्वार्टर के पास जहां मिसाइल गिरी है वहां बड़ा गड्ढा हो गया है। This is the impact site for one of those Iranian ballistic missiles, and if you see the size of this crater, that's about 30 feet deep and maybe 50 feet wide. You can see all the debris around here. And to give you a sense of the targets for these strikes, that white building back there, about 1,500 feet behind me, is the headquarters of the spy agency, the Mossad. मोसाद हेडक्वार्टर पर हुए मिसाइल हमले को इस मैप के जरिए भी समझा जा सकता है। देखिए, मिसाइल जहां गिरी है वहां से एक तरफ 400 मीटर की दूरी पर मोसाद का हेडक्वार्टर है तो दूसरी तरफ 500 मीटर की दूरी पर आईडीएफ का एडमिनिस्ट्रेशन कैंप है। मोसाद हेडक्वार्टर पर ईरान ने इसलिए हमला किया क्योंकि तेहरान में घुसकर हमास लीडर इस्माइल हानिया और लेबनान में हिजबुल्ला चीफ नसरुल्लाह की मौत के लिए ईरान मोसाद को जिम्मेदार मानता है। मोसाद के ही पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट में ईरानी सेना के कई कमांडर भी मारे गए थे, इसलिए मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला करके ईरान ने इसका बदला लिया है। हालांकि मिसाइल कुछ ही दूर गिरने से ईरान का मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। ईरान की मिसाइलों का दूसरा टारगेट रहा इसराइल का नेवाते में बेस। ईरान ने इस बेस पर इसलिए मिसाइल दागी क्योंकि यहां इसराइल के सबसे घातक फाइटर जेट F-35 तैनात हैं। अल नकाब के रेगिस्तान में मौजूद इस बेस से इसराइल F-35 फाइटर जेट के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी कोहराम मचा सकता है। लेबनान में नसरुल्लाह को मारने में भी F-35 फाइटर जेट का अहम रोल रहा है।
उसी ने नसरुल्ला की कब्र जमीन में खोदी, जिससे ईरान में भी खौफ था। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान ने नवते में बेस पर मौजूद F-35 को तबाह करने के लिए मिसाइल से हमला किया। और F-35 को मिसाइल से तबाह करके ईरान इसराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन ईरानी मिसाइलों को हवा में ही इसराइल ने मार गिराया। ईरान का तीसरा टारगेट रहा इसराइल का नेजरीम मिलिट्री बेस। इसराइल का ये बेस गाजा के राफा के पास है। राफा में इसराइल और हमास के बीच भीषण जंग छिड़ी है। इसी बेस से इसराइल की सेना और फाइटर जेट राफा में ऑपरेशन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नेजरीम बेस पर ईरान के मिसाइल हमले का मकसद इसराइल से राफा में भीषण हमले का बदला लेना है और यह संदेश देना है कि ईरान हमास के साथ खड़ा है। इसराइल को मिसाइलों से तबाह कर सकता है। ईरान का चौथा टारगेट रहा तेल अवीव के पास तेल नॉफ बेस। यहाँ IDF के इंटेलिजेंस यूनिट और एयरफोर्स का बेस है। तेल नॉफ बेस पर इसराइल के F-16 फाइटर जेट और F-15 फाइटर जेट मौजूद रहते हैं। यहीं से IDF को सारी खुफिया जानकारी मिलती है और फिर IDF ऑपरेशन करती है। यही वजह है कि ईरान ने तेल नॉफ बेस को निशाना बनाकर मिसाइल दागी ताकि सेंट्रल इसराइल को भी दहलाया जा सके। ईरान ने इसराइल को सबसे बड़ा जख्म देने की पूरी प्लानिंग की थी। उसने नेगेव रेगिस्तान में बने डिमोरा न्यूक्लियर बेस पर भी मिसाइल से हमला किया। वो तो एन वक्त पर अमेरिका के थर्ड डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को भांप लिया और उन्हें तबाह कर दिया, वरना भारी तबाही मच सकती थी। ईरान के निशाने पर शुरू से ही इसराइल का परमाणु ठिकाना रहा है। इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि इसराइल के पास खुद तो परमाणु बम है, लेकिन वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दे रहा है, जिससे ईरान बौखलाया हुआ है और उसने इसराइल के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए मिसाइल से हमला किया है। मतलब साफ है, ईरान ने चुन चुन कर इसराइल के उन 5 ठिकानों को निशाना बनाया है जो उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल के यही 5 ठिकाने मिडिल ईस्ट में उसकी ताकत का परचम लहराते हैं और ईरान जिनसे हर वक्त खौफ में रहता है।